हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीटॉक ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल शंकर पारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही पसंद से लोग इसको खाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर रोज़ नए रेसिपी के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शंकर पारे को बनाना शुरू करते हैं। शंकर पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी पीसी हुई चीनी है, 1 कटोरी घी है और 1 कटोरी पानी लगेगा। आप इस मेज़रमेंट को चाहे कप से लीजिए या कटोरी से लीजिए, वो आपके ऊपर है। आपको जितनी क्वांटिटी बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ गैस पे मैंने एक छोटा सा पैन रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी, फिर उसी कटोरी से 1 कटोरी माप के पानी डालेंगे और फिर पीठी शक्कर डालेंगे जो हमने चीनी पीस के ले लिया है। अब इसको गैस पे हम खाली एक बॉईल आने देंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक में मिक्स हो जाए। बस उतना ही करना है, ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जो हमने मैदा लिया है 5 कटोरी, इसमें हम ये पानी डालेंगे जो हमने अभी बॉईल कर लिया और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी को जो हमने बॉईल किया है उसको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के और इस आटे को लगाना है। और गर्म है तो आप कुछ ऐसे चम्मच वगैरह से ही लगाइए ताकि हाथ नहीं जले। तो इस तरह से देखिए, हमने हाथों से मसल मसल के ये पूरा आटा लगा लिया है और ये एकदम सॉफ्ट डो बना है। एकदम से इतना सॉफ्ट बनाना है इसको। और जितना हमने पानी लिया था वो बराबर, मेज़रमेंट बराबर था, थोड़ा भी हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला है और ये आटा पूरा लग गया है। अब इसके हम लोई बनाएंगे, तो इतना बड़ा बड़ा मैं ले रही हूँ। आपको और बड़ा बनाना है तो और बड़ा भी ले सकते हैं। सारे बना लेंगे इस तरह से। सारी लोई हमने बना ली है, अब इसको बेलेंगे एक चकले पे। इसको ज़्यादा ना पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। इतना देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ आपको एकदम पास से कि इस तरह से आपको बेलना है। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो मैंने ये ऐसा कटर जैसा ले लिया है। आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं। अब इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे, इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी लोइयों को बना लिया है और कट करके रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल एकदम अच्छे हीट में गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और अब इसको हम डाल के, तुरंत नहीं हिलाएंगे, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है और अब इसको हिला हिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर तेल ठंडा हो गया तो आप तेज को, गैस का फ्लेम फास्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए गोल्डन कलर का हो गया है और ये अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। ये बहुत कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में और गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। शंकर पारे देखिए बनके एकदम से रेडी हो गए हैं और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट बना है। इतना अच्छा बना है कि खाते ही मुँह में एकदम से घुल जाने वाला है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।